गाइस, इस वक्त मैं अपने गांव आ चुका हूं और आप देख सकते हैं गांव का ये हमारा तालाब है जो अभी टूट चुका है और लोग यहां मछलियां पकड़ रहे हैं अभी। तो मेरा गांव ये सिनोदा लिखा है बोर्ड में और मैं अपने गांव में हूं इस वक्त। ये भाई जो पानी में नहा के आ गए पानी में डायरेक्ट डूब गए थे। भाई ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारे गांव का तालाब है और ये हर साल फूटता ही है क्योंकि जंगल की जितने भी पानी है इस तालाब में आ जाते हैं और इस वजह से तालाब पानी को नहीं रख पाता और फूट जाता है। मैं अपने गांव को गाँव आया हूँ मैं अपना और पानी इस कदर यहाँ गिर रहा है। इस पानी की वजह से सामने इमरान भाई का घर है वो घर पूरा ढह चुका है और पूरा पानी ही पानी हो गया है। तो मैं अपने घर चलता हूँ गांव के घर, वहाँ क्या हाल चाल है देखते हैं। गाइस मैं अपने घर आ चुका हूँ गांव के घर, तो आप देख सकते हैं ये मेरे गांव का घर है और मैं अपने गांव का घर इसलिए आया कि यहाँ पानी अधिक गिर रहा है तो अपने घर को देखने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे घर के अंदर भी पानी आ चुका है और हमने बरसात लगने से पहले इस खप्पर का काम करवाया था लेकिन यहाँ बंदर अधिक है इस वजह से सारे खप्पर तोड़ दिए और घर के अंदर ये सब पानी आ गया। ये चूल्हा है हमारे गांव के घर का जिसमें ये हमारे गांव के घर का, तो ये हमारे गांव के घर का कुआं जो इतना बड़ा है और इसके अंदर पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है अभी। तो ये हमारे घर के पीछे जो हम लोग सब्जी वब्जी लगाते हैं वो बाड़ी कहते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया में बाड़ी कहते हैं। तो फिलहाल ये कटहल का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है और ये लेमोन का पेड़ है, ये भी अमरूद का है और ये मैंगो आम का पेड़ वो भी मैंगो का पेड़ है, ये अमरूद है, अमरूद लेमोन। तो ये बादाम का पेड़ है, ये और ये पेड़ सीताफल है, सीताफल और वो काजू का पेड़ है। और इधर हमारे खेत हैं जो धान वान लगे हुए हैं। तो गाइस ये मेरे गांव का घर है जो कुछ इस तरह से है। तो गाइस ये हमारा खेत है जो पानी से लबालब हो चुका है और पानी इतना ज़्यादा गिरा है यहाँ कि मत पूछो। तो ये पानी जो है आगे नैनी नाला बोलते हैं, वहाँ जाके ये पानी नैनी नाला में जाता है और नैनी नाला से ये महानदी में जाता है यहाँ का पानी। तो आप देख सकते हैं उधर भी पूरा आपको खेत नज़र आ रहे होंगे, उन सभी खेतों में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा खेत है और मैं अपने खेतों को भी देखने आया था। तो मैं आपको और आगे ले चलता हूँ जहाँ पर पूल है बहुत बड़ा, वहाँ कितना पानी चल रहा है हम देखेंगे। आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा हमारे गांव का खेत है और ये जो सीधर और देख रहे हैं वो ये छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में से एक बांध नया पारा अभ्यारण्य जो हमारे गांव से होके जाता है वो
रोड है और सामने पुल है, तो यह पूरा पानी भर चुका है। और ये हमारे गांव का जो पुल है, ये छत्तीसगढ़ के महानदी, एक बहुत बड़ी नदी है, वहाँ जाकर मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक के है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। महानदी हो ही देखे भाई, महानदी खुला, चलो भैया नहा दो, सिरपुर चलो, सिरपुर चलो, यही समझ लो ना भैया, महानदी।